जहाँ तक मानवाधिकार का प्रश्न है, जहाँ पर बड़ा विस्थापन हो रहा है, नर्मदा घाटी में जैसे बड़ा विस्थापन हो रहा है, वहाँ ये सबसे अहम प्रश्न है, क्योंकि इस पूरे विस्थापन में सरकारों द्वारा हमेशा यही किया गया है कि लोगों को बिना पुनर्वास के उजाड़ा जाता है, और जिससे उनका पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। विस्थापन के बाद विस्थापित पहले से बेहतर स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि ये सारी परियोजनाएं विकास की परियोजनाएं हैं, उस विकास की परियोजना से उस विस्थापित को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए उसकी स्थिति पहले से बेहतर होनी चाहिए। पर इस तरह की पुनर्वास नीतियों और इन सब का पालन नहीं किया जा रहा है पिछले कई सालों में सरकारों के द्वारा। ओंकारेश्वर बांध की डूब में आने वाले केलवा बुजुर्ग का एक जिरोट फलिया था, जहाँ पे 113 आदिवासी परिवार थे। अब चूंकि एकदम गरीब आदिवासी जिनको सामान्य भाषा भी बोलने नहीं आती है, इन परिवारों को उन्होंने सरकार ने अतिक्रमणकारी मानकर और कुछ भी नहीं देने का तय किया था, और जबकि लंबे समय से रह रहे थे उस वन जमीन पर, उनके अधिकार थे। पिछले तमाम सालों के संघर्ष से कई चीज़ें हासिल हुई हैं लोगों को। पहली बात कि जो पूरा दमन है वो दमन पूरा रुका, और उस दमन के रुकने से ही उनका जो पूरा जीवन का जो जिस तरह से उनको उजाड़ा जा रहा था, उस तरह से उजाड़ना रुका, और एक सम्मान जो बिल्कुल उनको असम्मान करते हुए हटाया जा रहा था वो खत्म हुआ, और एक सम्मान उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा ये है कि उनके जो फिर जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार धीरे धीरे उनको मिल रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा संघर्ष ही उनके जीवन के अधिकार को बचाने का संघर्ष है। जहाँ जहाँ नर्मदा घाटी में लोग संगठित हुए हैं और उन्होंने संगठित होकर संघर्ष किया है, वहाँ लोगों के अधिकार सुरक्षित हुए हैं, ये उनका उजाड़ना रुका है, उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं। तो मानवाधिकार की सुरक्षा भी अगर करनी है तो एक संदेश यही है कि लोग स्वयं जागरूक हों और इकट्ठे होकर वो उसके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। तो इस देश में अन्य भी जहाँ जहाँ भी मानवाधिकार के उल्लंघन की बात हो रही है, वो विस्थापन से हो या अन्य किसी तरीके से भी हो, वहाँ पर लोगों को जागरूक होकर इकट्ठे आकर उसके अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।